अभी मैं जहाँ पे हूँ ये एक आर्मी कैंप है। मैं यहाँ, मेरे पास बहुत सारे आर्मी सर हैं, लेकिन सिक्योरिटी रीजन से, इंडियन आर्मी के सिक्योरिटी रीजन से मैं किसी का भी मतलब चेहरा नहीं दिखा सकता। चांगला बस पे जो कि 17,688 फीट पे है, पूरा स्नोफॉल हो रहा है, फोटो खींचा नहीं जा सकता, हाथ पूरा जम रहा है। मैगी खा लिया, चाय पी लिया। देख भैया ने किया डिसीजन चेंज, वो जाएगा मेरे साथ ही अभी मनाली तक, और हम लोग शायद आज तांगलांगला बोल के पास आता है। उसके पहले एक जगह आता है रूम चेक, ऐसा कुछ नाम होगा, तो शायद वहाँ तक हम आज जा सकते हैं। मतलब करू क्रॉस करके, उपशी क्रॉस करके तांगलांगला पड़ता है। तांगलांगला से पहले हम लोगों को आज रोकना है, ये अभी का प्लान है। चेंज हो सकता है कि थोड़ा आगे चले जाए और थोड़ा पीछे रह जाए, क्योंकि मुझे तो जाना ही है उधर, क्योंकि मुझे रिटर्न होना है, मेरा लीव खत्म हो गया। इक्कीस दिन का मेरा छुट्टी था, जो कि अभी आज 21 दिन ऑलरेडी हो गया। तो ये सामने जो होटल देख रहे हो, यहाँ पर हम लोग कल थे, और यहाँ पे एक ब्रिज है, और ठीक इसके ऑपोजिट में ये है चेक पोस्ट, जहाँ पर देव अभी वो सबमिट करवाने के लिए गया कि हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो इसके बाद 6 किलोमीटर बाद मेन आएगा दुर्मुख, वहाँ से हम लोगों को शायद लेफ्ट टर्न लेना है, उसके बाद मैं वीडियो करूँगा। तो हम लोग दुर्मुख आ गए, अभी हम लोगों को लेना पड़ेगा यहाँ से लेफ्ट टर्न। आने के टाइम पे इधर से आए थे, ये राइट साइड से, अभी ये रास्ता जाती है मोस्ट प्रोबेबली मनाली, एक बार पूछेंगे। अभी का लगभग इसे से 70-80 किलोमीटर चाहिए, ठीक है। खारू में पहुँचेगा आप, खारू में पहुँचने के बाद यहाँ पे पास भी होगा चंगला पास, खारू में पहुँचने के बाद बाई तरफ मुड़िए, खारू से लेफ्ट टर्न 70-80 किलोमीटर बाद, वैसे तो यहाँ से पास आएगा, पास। ओके सर, पास। ठीक ठीक ठीक, चल। मनाली जा रहे हैं ना? जी। रोड खुला है? नहीं। पता नहीं। जाओ वहाँ पे जाके पता चलेगा। खारू में पता करना। ठीक है सर, थैंक यू। स्ट्रेट 80 किलोमीटर करू तक जाना है, करू से लेफ्ट टर्न लेना है चांगला पास के लिए। अभी बारालासला पास, जो होटल में हम लोग ठहरे थे वो होटल के सामने ही मुलाकात हो गई फिर से, वो बोले कि बारालासला बस अभी बंद है। अगर बंद है तो भाई साहब वाट करने वाली है, क्योंकि मैं फिर से फंस जाऊंगा, सेम मतलब सेम कंडीशन हो जाएगा। अभी पता नहीं क्या होगा, पहले कारू पहुंचते हैं। मेरा जो इच्छा है वो है बारालासला पास तक जितना तक खींच सकूं खींच दूं एक बार में।
अभी हम लोग जा रहे हैं करू के लिए, मैं और देव जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ देर पहले, मतलब 3 से 4 मिनट पहले स्नोफॉल हो रही थी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हम लोगों का विंटर ग्लव्स काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर अभी बाइक रोक के, यहाँ पर दोनों बाइक रोक के, देखो मिट्टी मिट्टी होकर इंजन में हाथ डाल के हाथ गर्म किए, कुछ भी काम नहीं कर रहा है विंटर ग्लव्स। अभी हम लोगों के पास वो जो माइनस वाला ग्लव्स होती है वो नहीं है, ये सबसे बड़ी दिक्कत आ गई है। अभी अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 5-10 किलोमीटर जाना पड़ेगा, जाके बाइक रुकने, बाइक रोक के फिर से हाथ गर्म करके उसके बाद बाइक चलाना पड़ेगा। ऐसे ही चले गए तो एक ही ऑप्शन बचता है, जब हाथ सुन पर जाती है वो गर्म पानी, उस टाइम से इंजन से भी काम नहीं पड़ता है, वो उस टाइम पे गर्म पानी ही चाहिए। अभी गर्म पानी का रास्ते में तो कोई जगह नहीं है, वीडियो शायद रास्ते पे मैं नहीं कर पाऊँ, या अगर होगा तो थोड़ी बहुत हो सकता है, पता नहीं। तेरा हाथ कैसे काम कर रहा है अभी? अभी हम, मेरा भी ठीक है, बीच बीच में रोकना पड़ेगा, चलो बाद में मिलते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पर रुके हैं, रास्ते में चार भैया मिल गए यहाँ पर, जो अभी यहाँ पे चल रहे हैं। अभी देखो स्नोफॉल का हालत हो, यहाँ पर पूरा स्नोफॉल हो रहा है इधर। ये भैया तेरे को भी दिखाना है, देख ये देखो गिर रहा है स्नोफॉल, ये देखो। अरे भैया लोग यहाँ पर ताप रहे हैं पूरा, पता नहीं आगे कितना देर जा पाएंगे। ये आगे तो 1 किलोमीटर है ना, तो कैमरा ऑन करने से कैमरे के ऊपर स्नो आके जम जा रही है। ये है यहाँ पर हालत। आप कहाँ से हो भैया? झारखंड दुमका से। आप दुमका से हो? जी। अच्छा दुमका, दुमका। मैं जब बाबा धाम जाता हूँ तो दुमका होके जाता हूँ। आप कहाँ से हो? सब हम लोग एक ही, सब एक जगह से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप लोग? काम करते हैं, रोड रोड का काम करते हो आप लोग? अच्छा तो सही है, सही है। चलो देखते हैं कितने देर में निकलते हैं, वीडियो शायद नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल की वजह से कैमरा में आ जाएगा। ये भैया हेलमेट ओपन नहीं कर रहा है, हेलमेट ओपन नहीं कर रहा, मेरे को खाली हाथ में, अभी सामने वाला हूँ हाथ। यहाँ पर हो रहे स्नोफॉल, यहाँ से 15 किलोमीटर बाद एक गांव है। मेरा जैकेट, हैंड ग्लव्स, पूरा ग्लव्स, ग्लव्स भी ठीक तरह से मैं पहन नहीं पाया, हाथ काम नहीं कर रहा है। कहाँ तक जा पाऊंगा पता नहीं। अभी ये दुमका से जो चार भैया लोग थे, ये बोले कि इस महीना तक तो रोड ओपन नहीं होगा, अगर ऐसा ही होता है मैं कल जहाँ तक जाऊँ यहाँ से बैक करके सीधा मैं निकलने वाला हूँ। अभी भी खबर मिल जाए तो मैं अभी निकल जाऊँगा उधर से घूम के, क्योंकि हमको अभी रिटर्न करना है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है कुछ। मेरा पूरा जैकेट स्नो से भर गया, पूरा जैकेट भर गया। इस टाइम पे स्नोफॉल हो भी, अभी यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है तो मैं सोच रहा हूँ बारालासला तो खुलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। देख लेते हैं एक बार, रिसोर्ट भी है। नहीं वो बोल रहा है कि वही बोले ना कि ये टॉप है इसलिए स्नोफॉल हो रहा है, इससे हम डाउन निकल जाएगा तो स्नोफॉल से बंद हो जाएगा। आप लोग यहाँ से चले जाओ, मैं बोल रहा हूँ निकल जाओ, कोई दिक्कत। वो लोग लोकल है ना, उसका बात सुनेगा। लोकल मैं भी नहीं हूँ, मैं उधर से हूँ, लेकिन यहाँ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग आराम से निकल जाओगे। नहीं नहीं वो कोई दिक्कत नहीं, इस रोड में नहीं होता है, वैसे रोड खतरे वाला रोड है ही नहीं, आराम आराम से निकल जाओ। चल देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। चलो थैंक यू। तो हम लोग थोड़ा सा रिस्क लेके ही निकल रहे हैं यहाँ से स्नोफॉल के अंदर में। मेरा तो हैंड ग्लव्स भी मैं ठीक से नहीं पहन पाया, ऐसे जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा थंब काम नहीं कर रहा। ओहो
आगे आएगा थोड़ा देर बाद जांगला टॉप, स्नो शावर जिसको बोलते हैं। मेरे सनग्लास के पास में से ना संघर्ष के पास में से यह घुस के मेरे आंख के पास में जाके यह जम रही है। माय गुडनेस, मजा तो आ रहा है। सिर्फ हम नहीं फंसे, बस हमको अच्छे चाहिए। बात क्या नहीं जा रहा है, पता नहीं हमको वीडियो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी हमको नहीं पता। ऑन का स्विच तो हमने दबाया था, अभी हमको ये पता नहीं। सनग्लास के ऊपर में पूरा ब्लर हो गया, 30% विजिबिलिटी क्लियर है, बाकी 70% मैं दिख नहीं सकता हूँ अभी। यहाँ से जाने में और एक मजा है, चांगला टॉप हो जाएगा, जो कि मेरा इच्छा था करने का। अभी किसी को भी छोड़ के नहीं जाना है, एक साथ ही जाना है। जैसे देव आ रहा है उसको मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा। अभी नॉर्मल रोड में क्या होता है, निकल जाते हैं वो आगे क्या है किसी का, लेकिन ये सब सिचुएशन पे कोई भी कहीं भी कोई भी टाइम पे फंस सकता है। पता नहीं कैमरे में क्या आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा। एक बार तो ब्लर हो गया था, मैं बंद कर दिया वीडियो चेक करके। अभी अगर यहाँ पर कोई दुकान मिल जाता ना, कोई अगर ऐसा दुकान मिलता जहाँ पर गरम गरम नूडल्स, अदरक की चाय, ओह मजा आ जाता। मैं चाहता हूँ अभी वीडियो बंद करूँ, मैं बंद कर नहीं पा रहा हूँ, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है भाई साहब। ये है पूरा पूरा जम गया भगवान। और एक चीज, जाने के टाइम पे हम लोग ने बाइक में पेट्रोल भरवाया थे, उसके बाद पेट्रोल भी नहीं भरवाया। मैं ट्राई कर रहा हूँ कैमरा का ग्लास जो है थोड़ा साफ कर दूँ, उसके बाद पेट्रोल भी नहीं भरवाए। मानता हूँ हम लोगों के पास टोटल 20 लीटर पेट्रोल है, मेरे पास 10, देव के पास 10, लेकिन फिर भी अरे बाप रे, हॉर्न दबा दिया मैंने। 2 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ, हॉर्न दब ही नहीं रहा है। ये देखो मेरा हाथ के ऊपर ये एक्स्ट्रा है, उंगली पूरी तरह से नहीं घुसी। हमको डर रहा है सिर्फ रोड ब्लॉक होने का, बस। हम अगर अकेले भी होते कुछ प्रॉब्लम नहीं था, निकले थे तो घर से तो अकेले ही निकले थे, मुझे सब पता था कि क्या क्या होगा, क्या क्या एक्सट्री होगा, ये सब सोच के मैं घर से निकला। मुझे जो डर है मैं फंस ना जाऊं, क्योंकि छुट्टी खत्म हो गया मेरा। कुछ देर बाद आएगा चांगला टॉप। मैं चीख क्यों रहा हूं,
मजा आ गया। चांगला बस में अगर हम गए ना मस्त फोटो आएगी, क्योंकि जैकेट मेरा पूरा वाइट है। अभी बाइक चला रहा हूँ, गिरते जा रहा है बर्फ, मैं थोड़ा जोर से खींच रहा हूँ ताकि देव आ जाए। अगर मैं उसके साथ खींचू ना वो हमको रोक देगा, तो मैं नहीं जाना है। सर सर बोला कि चांगला टॉप कहाँ पे है? यही है। तो ये है चांगला टॉप, फाइनली हम पहुंच गया। वो देख उस टाइम पे मैं बोला तो हम लोग चांगला टॉप तक आ सके, अगर तू तेरे चक्कर में रहता तो चांगला टॉप मिस हो जाते। तो रुक जा, थोड़ा शांति रख भाई, ऐसे मेरा हाथ कांप रहा है पूरा, थोड़ा शांति रख, मैं करता हूँ कुछ जुगाड़, तू थोड़ा रुक जा। इस टाइम पे मैं चांगला बस पे जो कि 17,688 फीट पे है, पूरा स्नोफॉल हो रहा है, फोटो खींचा नहीं जा सकता, हाथ पूरा जम रहा है। ये देव देव को पूछते हैं कैसा लग रहा है भाई, ये सिचुएशन में कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा लग रहा है। मजा लग रहा है ना? हाँ। आँख में इसका आँख में देखो जम गया बर्फ, देखो सेम सिचुएशन है सबका, आँख में देखो, ये देखो अच्छे से आँख में देखो बर्फ, सिचुएशन देखो। माय गॉडनेस, तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि हम मैं और देव मतलब पूरा जम गए थे स्नोफॉल में चांगला पास पे। अभी मैं जहाँ पे हूँ ये एक आर्मी कैंप है, मैं यहाँ मेरे पास बहुत सारे आर्मी सर हैं, लेकिन सिक्योरिटी रीजन से, इंडियन आर्मी के सिक्योरिटी रीजन से मैं किसी का भी मतलब चेहरा नहीं दिखा सकता। मेरे आसपास में सब है, सब ने हेल्प किया, हम लोगों को खाना भी ऑफर किया। यहाँ से हीट निकलता है, अभी अभी एकदम हाथ मेरा पूरा खुल गया, पूरा जम गया। पैर में देखो, पैर दिखा एक बार, पैर में देखो अभी भी पूरा बर्फ है। इसका पैर देखो, इसमें इसका पैर में ज़्यादा है, ऐसा सिचुएशन है। अभी अभी बारालासला पास अगर ओपन होगा, कभी आना है तो आफ्टरनून में मत आना। नहीं नहीं आना आना, नहीं तो एडवेंचर क्या होगा। अगर नहीं आते इसका चक्कर में रहते ना तो वहाँ पे वहाँ से घूम के जाना पड़ता। अभी आ गया है तो अभी ये भी पिक्चर देख के पूरा खुश हो गए, स्नोफॉल के साथ चांगला पास का पिक्चर। खाना वाना खा के थोड़ा आर्मी लोग सर से लो, जूस पी लो। देखो सर ने हमको जूस भी ऑफर किया, और कुछ बोलना है? बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंडियन आर्मी, ओके, चीयर्स टू इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी हमेशा याद रखना, चीयर्स।